बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जा रहा है। आज अच्छा अवसर है 26 जनवरी का खुशनुमा माहौल और यह उर्दू लाइब्रेरी में आयोजित प्रोग्राम में ये बहुत ही आवश्यक है। हर घर में बेटियां होती हैं, हर घर में बेटियां होनी चाहिए, हर घर में बेटियां होती हैं, हर घर में बेटियां होनी चाहिए। हमने इसको कुछ चंद लाइनों में हमने सरकार के लिए लिखा है। ये मैं चाहता हूं कि आज उर्दू लाइब्रेरी में इसका वाचन हो जाए। नहीं बचाओ बेटी केवल उसे आज पढ़ने दो, नहीं बचाओ बेटी केवल। बेटी तो बचा लेते हैं, पढ़ने का देश से बेटी तो है लोगों के पास, बेटी बचाओ पर पढ़ाओ। नहीं बचाओ बेटी केवल उसे आज पढ़ने दो, चढ़ती है चोटी पर तो उसे आज चढ़ने दो। क्यों? कि बेटियां ही शक्ति का स्वरूप है, बेटियां ही शक्ति का स्वरूप है, बेटियां बिन छांव भी तब धूप है, बेटियां बिन छांव भी तब धूप है। चाहते क्यों ना इन्हें आंगन मिले, चाहते क्यों ना इन्हें आंगन मिले, चाह लो माँ का इन्हें दामन मिले, चाह लो माँ का इन्हें दामन मिले। गिर रही जब बेटियां तुम थाम लो, गिर रही जब बेटियां तुम थाम लो, गर तुम गिरो तो बेटियों का नाम लो, गर तुम गिरो तो बेटियों का नाम लो। तुम नाम लेके देख वो आए नजर, तुम नाम लेके देख वो आए नजर, है पुत्र तो वो भूलता तेरी डगर, है पुत्र तो वो भूलता तेरी डगर। है बेटियां तो दिख रही है शांति, है बेटियां तो दिख रही है शांति, हो पुत्र ही सदा मिटाओ भ्रांति, हो पुत्र ही सदा मिटाओ भ्रांति। बेटियां ही सृष्टि का स्वरूप है, बेटियां ही सृष्टि का स्वरूप है, हो उष्णता तो वृष्टि का भी रूप है, हो उष्णता तो भी तो वृष्टि का भी रूप है। बेटियां पढ़े तो सारा जग बढ़े, तब एक ना समस्त देखो पग बढ़े। बेटियां पढ़े तो सारा जग बढ़े, तब एक ना समस्त देखो पग बढ़े। बेटियां हो दूर भी तो पास है, बेटियां हो दूर भी तो पास है, जैसे हो न सांस फिर भी आस है, जैसे हो न सांस फिर भी आस है। थैंक यू वेरी मच।